एडवांस के पेपर में जो भी तुम्हारे जिंदगी में डाउट रहे ना आज तक, मतलब एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे सामने आ जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता भी हूँ और बोलता रहा हूँ कि एडवांस्ड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो भी चैप्टर आए वो बिल्कुल इन एंड आउट बहुत अच्छे से आए, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब क्लियर कंफ्यूजन नहीं है अपने को बिल्कुल भी किसी भी चीज में, तभी सवाल एडवांस्ड का सॉल्व होगा। नहीं तो अगर आपका कोई चैप्टर एवरेज लेवल पे है और ठीक ठाक डाउट्स उसमें पेंडिंग है, उसका सवाल करोगे जब वो आएगा तो गारंटेड जो जो आपके कॉन्सेप्ट्स वीक थे ना वही सवाल में पूछा जाएगा और वो आपको खा जाएगा। ध्यान रखिए कि जो भी कंसेप्ट करो, जो भी चैप्टर करो, उसको इन एंड आउट बिल्कुल डेप्थ में एक भी शंका नहीं बची होनी चाहिए उस चैप्टर में। अगर एक भी रह गया, वो एक ही डाउट जो है आपका रहा था वही आ सकता है। बहुत बार ऐसा होता भी है अपने साथ कि सर यही तो डाउट था, वही सामने ठुल्लू ने पूछ लिया। भाई जिसको तुम ठुल्लू सोच रहे हो ठुल्लू है नहीं, है ना, उन्होंने कितनों को बना चुका है ठुल्लू। ध्यान रखिए।